एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया है। मैं बना रही हूँ अभी आलू के पराठे नाश्ते के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ऐसे मौसम में हमारे यहाँ आलू बहुत यूज़ होता है। आलू के पराठे, पकौड़ी वगैरह सब बनते हैं। तो बस अभी मॉर्निंग में मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने आलू लिया है और उसमें प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। तो वैसे भी सुबह सुबह थोड़ा जल्दी रहता है क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है, तो उस टाइम कुछ पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं। बस नाश्ते का होता है कि फटाफट से इनका नाश्ता और लंच देना है। ठंड लग गई। तो किसने कही इधर से व्लॉग बनाने को? किसने कही इधर से व्लॉग बनाने को? ऊपर गई व्लॉग बनाने। और सारी सारी भीग गई? हाँ। ना हल्की हल्की सी सूखी है, मतलब मेरे व्लॉग बने ना बने तेरे बन जाए। हाँ। क्या बोला तूने? मौसम देखो, आज मेरी मम्मी अपनी नेल पेंट लगाई है। देखो आज मैंने अपनी नेल पेंट लगाई है। मैंने ये वाली लगाई है जो पीहू ने दोनों खराब कर दी, दोनों सुखा दी। तो दिखा अपनी कलर, अपना कलर दिखा। मेरा पिंक। ये पीहू ने, मेरे को पिंक पसंद है। और सारे का बाल वाल सब खराब कर दी तूने तो। हाँ, हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दो दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी मेरी ऐसी तबीयत सी खराब हो गई थी तो इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पीयू की दोबारा से हो गई है ब्लॉगिंग चालू और बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश। सुबह बनाए थे मैंने आलू के पराठे, उसके बाद भी कोई क्लिप मेरी नहीं बन पाई क्योंकि पीयू की क्लास होती है 1:30 बजे तक, तो नहीं पॉसिबल हो पाता कि मैं कोई ब्लॉग शुरू करूं क्योंकि इसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, फेस का होमवर्क होता है। तो वो सब करने के बाद ही मैं ब्लॉगिंग शुरू कर पाती हूं। अभी टाइम 5 बज रहे हैं और चाय पी है बस, अभी कुछ भी नहीं। तो सोचा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे ब्लॉग तो सुबह से ही स्टार्ट हो गया था, बस आप सबसे बातें नहीं हो पाई थी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा हो गया एकदम। आज पूरे दिन हमने एसी नहीं चलाया, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और आज पूरा दिन टिप 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 पूरा दिन ही रही है, ये 2 दिन रहेगी, कल भी रहेगी मेरे हिसाब से। आज कपड़े नहीं वॉश किए हैं मैंने क्योंकि सूखने का कोई मतलब ही नहीं है, सूखेंगे ही नहीं तो फिर कपड़े वॉश क्या करने। मम्मी अपनी नेल पेंट दिखाओ। वो दिखाना तो भी अच्छा है। आज मम्मी ने अपने कपड़े की मैच की पहनी है मम्मी। ये देखो आज मम्मी ने अपने कपड़ों के मैच की नेल पेंट पहनी है, मैंने नहीं पहनी है, मैंने नहीं लगाई सारी। और इसने मेरी दोनों नेल पेंट खराब कर दी है, सूख चुकी है बिल्कुल। तो ये बस जैसे तैसे मैंने लगा ली क्योंकि कितने दिन हो गए थे नेल पेंट नहीं लगाई थी। तो चलिए अभी थोड़ा सा बाहर चल के देखते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी बुहार सी आ रही है और फिर वो अपना बाहर ही घूमने में लगी हुई है। इसने थोड़ा लूज किया है, इसने ये पहना था, देखो यहाँ से फाड़ भी दिया। तू है ही, तू है ही इतनी स्लिम डिम। देखो मुझे यहाँ पे हुई थी मम्मी, एकदम से ऐसे हाथ गए इसके अंदर, मैं सोचे यहाँ पे पॉकेट कैसे बन गई, जब देखा तो उसने फाड़ दिया। ये हमेशा मैं चाय खा चुकी होगी तूने और पीयू तेरी वीडियो बना रही है। ये फाड़ते से कभी इनकी मोती निकाल देती। पीयू तेरी वीडियो बना रही है। कपड़े तो मेरे है ही नहीं ना, कपड़े तो इसके है ना। मेरे वीडियो का साथ तो कुछ ना भी कर ले, कुछ भी वीडियो तो बन के ही रहेगी। और पीयू अपनी ब्लॉगिंग नहीं छोड़ेगी? नहीं। हाँ, एक बार हमारा बंक हो जाए पीयू की ब्लॉगिंग नहीं छूटेगी। अरे मैं तो जब आप नहीं बनाते ना तब भी बनाती हूँ। और देखो ये देखिए मौसम, अभी भी ना आ रही है, अभी भी हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, सारे गीले गीले हो रहे हैं।
क्योंकि दोनों बेटियों की पसंद अलग अलग है। भवी को पसंद है पकौड़े, पीहू को पसंद है मीठी पकौड़ी। तो यहाँ देखिए मैंने सर्व कर दी है, इस तरफ बन रही है और हमारी लाइट भी चली गई है। तो चलिए अभी फटाफट से मैं पकौड़े बना लेती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ ताकि ये भी अपना खा लें। तो अभी जो टाइम हो रहा है 9:45 का टाइम हो रहा है और ये देखिए हमारा सोफा ये पूरा गीला हो गया। बारिश इतनी तेज आई है कि सारा पानी अंदर आ गया है और ऊपर से ये टपक भी रहा है। ये यहाँ पे जो पर्दा है ये भी गीला हो गया और ये वाला सोफा भी गीला हो गया। मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी ये गीला है क्योंकि मम्मी इस पर बैठी हुई थी। ये देखिए ये मैडम को अंदर आ रही है क्या बारिश? नहीं, ये छाता लेके खड़ी है यहाँ पे। हाँ सारे यहाँ पे ये सारा यहाँ पे भी पानी ही पानी हो गया। ये देखिए सारा पानी हमारा जो ये पायदान है पूरा गीला हो गया है। पानी अंदर की तरफ आ गया है तो यहाँ से मुझे ये सोफा साइड करना पड़ा और ये पर्दा भी नीचे से गीला हो चुका है। देखिए कितना पानी है, ये देखिए, और अभी भी टप टप हो ही रहा है और यहाँ पे ये भी गीला हो चुका है। ये एवरीवन कैसे हो आप सब? तो मेरा ब्लॉग 3 दिन से कंटिन्यू चलते ही जा रहा है, इसका मैं एंड नहीं कर पाई थी और आज मुझे फुर्सत मिली है अपने ब्लॉग का एंड करने की। यहाँ पे पीहू का लड्डू बैठा हुआ है, ये देखिए ये है मेरी पीहू का लड्डू। मेरी पीहू जब 1 या 1.5 साल की थी तब इसको लेके आई थी और इसको अपने पास ही सुलाती है, इससे खेलती है। तो इसके कपड़े वॉश करने हैं क्योंकि इसके कपड़े थोड़े से गंदे हो रखे हैं। वैसे तो पीहू करवाती रहती है लेकिन हो गया है इसको 10 से 15 दिन हो गए हैं इसके कपड़े वॉश नहीं हुए हैं और हर बार भूल जाती हूँ। और जब कपड़े वॉश हो जाते हैं सभी तब पीहू को याद आती कि मम्मी आपने मेरे लड्डू के कपड़े वॉश नहीं किए। तो अभी जाऊँगी मैं कपड़े धोने के लिए, तभी इसके कपड़े मैं वॉश कर दूंगी। और आज बनाए हैं हमने कढ़ी चावल क्योंकि बहुत मन कर रहा था कई दिनों से कढ़ी चावल खाने का, तो बस आज मैंने बना लिए हैं कढ़ी चावल। और आज बारिश भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा घोट हो रहा है, बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है इसलिए मैंने अभी एसी चलाया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी अंदर। और
बस 3 दिनों से मेरा ये ब्लॉग चलता ही जा रहा था, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से अपना गुजरी गीत, गुजरी डांस ये सब डाल रही हूँ और आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है, आप सब बहुत प्यार दे रहे हो मेरी इन वीडियो को। लेकिन उसके साथ साथ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे जो ब्लॉग है उसको भी इसी तरीके से प्यार दीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल सभी का है, इसमें मेरे व्लॉग भी जाएंगे, इसमें मेरे गुजरी डांस, गुजरी गीत, भजन सभी कुछ होगा। तो अभी मेरे पास ये वीडियो थी तो मैंने वो डाल दी, लेकिन मैं बीच बीच में व्लॉग भी बनाती रहूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे आप मेरे गुजरी डांस और गुजरी गीतों को प्यार देते हैं, मेरे व्लॉग को भी प्यार दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट और अपना साथ हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए अभी बातें कम कर लेते हैं, कभी आप बोर हो जाओ। तो अभी इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, या फिर गुजरी डांस या भजन गीतों के साथ, कुछ पता नहीं है, ब्लॉग भी आ सकता है आगे, डांस भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू बनाती ही रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।